अरे अंकल मत लड़ो यार, वो लड़ रहे हैं, देखो वहाँ पे गाइस रोड रेज, लड़ाइयाँ हो रही यहाँ पे, सीन हो रहे हैं तगड़े। रास्ते में जब ट्रेवल कर रही थी ना, मुझे एक कॉल नहीं आया, कहाँ हो, क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें दो कॉल की थी और जब एक मैसेज भी आई आप मुझे आए लेने के लिए। मैं कैसे लेना आता, तुम मुझसे लड़ोगे? 8 बजे आई थी मैं वहाँ पे और रात को इधर अलग अकेले भटक रही थी। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज से डेली व्लॉगिंग स्टार्ट हो गया गाइज, तो आज पहला व्लॉग से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि कल मैंने कॉमेंट्री पोस्ट डाला था कि डेली व्लॉग्स नहीं आ पा रहे इरेगुलर रूम में। सबने कमेंट किया है रेगुलर डालो, रेगुलर डालो और व्लॉग नंबर 1 से डालो, क्योंकि मेरे शायद 150 के अप्रॉक्स तो हो गए होंगे व्लॉग। फर्स्ट व्लॉग से स्टार्ट करो, तो अब चैलेंज देता हूँ मैं खुद को भी कि 365 डेज का व्लॉग तो मैं लेकर ही आऊँगा। उसके बाद चाहे थोड़ा बहुत इरेगुलर तो चलता है, लेकिन 365 का तो मैं रेगुलर लेकर आऊँगा। तो ये रहा मेरा रूम, जो भी पूरा बिखरा हुआ है, ख़राब ख़राब सा दिख रहा होगा आपको, और अलमारी चेंज करनी है इसकी, ख़राब हो गई है। तो फिर एक पिंक कलर की पड़ी हुई थी दूसरे कमरे में से, मैं वाले कमरे से उठा ले लूँगा पिंक कलर की। बाकी मेरे को यहाँ पर पर्दे वर्दे भी लगाने और भी बहुत सारा काम है, तो वो सब सामान लेके आता हूँ। और नीचे मेगा भी वेट कर रही है मेरा, कह रही थी खाना खा के आ रही हूँ और नीचे वेट कर रही है, तो मैं नीचे मिल कर आता हूँ उससे फटाफट। यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे को भी बता देते, आज मैंने खाया ही नहीं खाना, और दिन चिकन खाता हूँ, जिम ही नहीं जा पाए। चले आज चाय पॉइंट चल रहे हैं, काफ़ी दिन से नहीं गए और इतने दिनों से व्लॉग में भी नहीं गए। क्यों नाराज़ थे? बस ऐसे। अरे यार एक चीज़ तो मैं भूल ही गई, पीछे पहले भूल गई नहीं, पहले अपना मोबाइल देखो। हाँ। गिर जाता भी हो? नहीं गिरता, वो मेरे को पता था, मैं भूल गई एक चीज़। क्या? मैं लेकर आती हूँ ठीक है, ऊपर रूम से। कितना देर लगेगा? हाफ एन आवर। चल मैं तब तक चाय पीने चल रहा हूँ। जहाँ भी जाऊँ आ रहा हूँ थोड़ी देर में, बस आ रहा हूँ थोड़ी देर में आ रहा हूँ। चाय सुट्टा बाट चलता है, वहाँ की जो रोज टी है ना इतनी मस्त लगती है मेरे को, क्या ही बताऊँ। और आगे जाम लग रहा है, मुझे तो जाने में ही डर लग रहा है, इतना भीड़ लग रही है ना, ये देखो पीछे इतनी भीड़ लग रही है। अच्छा मैं रोमियो को नहीं लेकर, नहीं तो रोमियो भी फंस जाता मेरे साथ साथ। अभी मस्त करके सो रखा हूँ, तो मैंने सोचा जब तक वो सोता है तब तक मैं चाय पी के आता हूँ। देखो कहाँ तक लेके आए हैं लोग गाड़ी को, पूरा मेरी साइड पहुँचा रही है गाड़ी, देख रहे हो गाइस ये। और देखो ये जो लाइन है ना ये सही है, लेकिन ये जो गाड़ी आ रही है ना सामने से, इसको देखो किस तरह से अपनी इधर वाली लाइन में चला रहा है, इसी की वजह से जाम होता है। देखो अभी पूरी सही रोड है, लेकिन ये देखो ये लेके आ गए भाई साहब। तो गैस ये है रोज टी, मस्त लग रही है। तो अब हम चलते हैं रूम की साइड को, ये देखो यहाँ पंगा हो रहा गैस ये, इसने ना पूरा ट्रक को बीच में रोड पर खड़ा कर दिया, क्या पूरी भीड़ खड़ी कर दी यहाँ पे फालतू में, यहाँ लड़ाई हो गई सीन तगड़े। अरे अंकल मत लड़ो यार, वो लड़ रहे हैं, देखो वहाँ पे गाइस रोड रेज, लड़ाइयाँ हो रही यहाँ पे, सीन हो रहे हैं तगड़े। एक तो इसने बीच रोड में गाड़ी खड़ी कर रही है, ऊपर से वहाँ लड़ाई भी चल रही है, इतनी खतरनाक लड़ाई हो गई थी, मैं क्या ही बोलूँ। मेरा तो मन कर रहा था बीच में जाने का, बट यहाँ बताया क्या है कि अगर किसी की लड़ाई में पाँव डालोगे ना तो पाँव तुम्हारा ही टूटेगा। इतनी भयंकर लड़ाई हुई थी ना, साले ने बीच में ट्रक को ही खड़ा कर दिया। हाँ यार, वहाँ से आ रहा था जब मैं चाय पीते हुए। सब लड़ते क्यों होंगे ना? एक मतलब पहले ना हमारे कॉलेज में जब बच्चे पढ़ते थे तब वो लोग भी ऐसे करते थे, मतलब जैसे आगे से ट्रक आ गया तो उनको पता नहीं खून गर्म होता है क्या होता है, ट्रक वाले को आगे बस में घुस के मार के आ गए। ट्रक वाले की गलती थी, गलती क्या थी बताओ, पहले यहाँ पर से रैली जा रही थी जो कांग्रेस वाली जा रही थी, वैसी भीड़ थी, उसके बाद से ट्रक वाले ने बीच में खड़ी कर दी गाड़ी ऐसे करके। तो एक अंकल उसको समझा रहे कि बीच में खड़ी क्यों कर दी, उसके वो लड़ना आ गया नीचे उतर के। पहले अंकल से लड़ाई हुई, उसके बाद लड़ाई हुई, फिर एक और बीच में, फिर उससे लड़ने लग गया। अंकल से भी लड़ने लग गए? अंकल से तो लड़ा ठीक है, एक तो एज इतनी एज है, समझा रहे सही समझा रहे, उसके बाद फिर एक और लड़का आया बस बीच में, तो उनसे उससे लड़ने लग गया। अरे रोनी का एग्जाम चल रहा है, 27 से उसके एग्जाम है, 1 तारीख तक। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि यार न्यू ईयर कैसे मनाएंगे, 31st क्रिसमस सब सब तो ठीक है, फिर अगर हम लोग न्यू ईयर व्यू नहीं मनाने वाले, मैं घर वालों को बुला लेती हूँ, वो लोग आने वाले हैं घूमने के लिए, घर वाले मेरी मम्मी लोग। चलो देखते हैं। तुम क्यों देखोगे, मैं देखूंगी ना। मेरा तो प्लान अच्छा खासा था यार, बाकी मैंने स्मृति से कह रखा है कि दूध उबाले रखना, आज कॉफ़ी पिलाता हूँ, तो मैं भी पिलाऊंगा। तुम थे ही नहीं यहाँ, मैंने इतनी मस्त कॉफ़ी बनाई थी, तभी नाराज़ हो। तो मैं पिलाता हूँ आज मस्त वाली, चलो चल रहे जल्दी चलो। मुझे नहीं पीनी, जब मैं यहाँ थी तब तो कभी नहीं पिलाई, ठीक है, पहली बार मुझे पिलानी चाहिए थी ना। ठीक है तो मैं नहीं पीनी ना ठीक है, आज मैं रोनी स्मृति पियेंगे। वो रोनी वहाँ खड़ा है, वो खड़ा है रोनी, बाहर से लेकर आऊंगी। रोनी का नाम लिया, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। ये देखो शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। मैं कह ही रहा था कि हम वो नहीं कर पाएंगे, सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रोनी के एग्जाम होने वाले हैं। कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं चाय पॉइंट, चल लो। नहीं
थोड़ा जा रहा हूँ नहाने नहाने दो दिन से नहीं गलत बात डेली नहाता हूँ मैं ना महीने में एक बार चलो चलते हैं। लड़का ठंड से ठिठुर रहा है, कोई नहीं पहन के आता घर से। मेरे को क्या पता था, मेरे को लगा गर्म हो रहा होगा, ठंडा लगने लग गया। ठंड का मौसम है, मैंने इतनी मोटी जैकेट पहन रखी है। अरे मेरे को लगाना सही रहेगा, लेकिन ठंडा लग गया रास्ते में इतना। बाबा हो टोपी ओपी तो है, बाबा हो टोपी लेकर आए, आने चाहिए। टोपी है मेरे पास, टोपी ओपी सब कुछ। गाइस यहाँ से मस्त करके हीरो बन के जा रहा था, लेकिन ठंडा लग गया। अब क्या करूँगा, वहाँ जैसी लड़कियाँ दिखेंगी, हीरोइन ही लग रही हूँ। जैसी वहाँ लड़कियाँ दिखेंगी इसको उतार दूंगा और हीरो बन के। जिंदगी भर लड़कियाँ देखेंगी कि आप उसमें गलत फहमी में ना आपकी जिंदगी कट गई है। मेरी जिंदगी नहीं, आप देखो तुम। चलो बैठो, पहली बात तो फिर लड़की मैं भी हूँ तुम्हारे साथ, बोल देना मेरी बहन है। हाँ तभी तो देखेंगी, वरना वो तो सोचेंगी कुछ गलत भी तो सोच सकती है ना। मैं कहूँगा दोस्त है, बहन है बोल देना। दोस्त है कहूँगा ना, बहन के। चलो फिर अभी हाथ से फोन में चला, ये मैं चलो तो बंदे का गिरता। हाँ, मैं कर रही हूँ मुझसे कह रही ठंडा हो रहा करके, और अपना देखो कैसे बन रखी है, जैसे यहाँ में बर्फ कर रही होगी। ठंडा तो हो रहा है लेकिन इतना भी नहीं हो रहा है। मेरे कानों के अंदर हवा जा रही थी ना, टोपी नहीं लाई हूँ। ये देखो ग्लव्स नहीं पहन रखे मैंने, कोई दिक्कत नहीं। कानों के अंदर हवा जा रही थी, टोपी नहीं लाई हूँ ना, इसलिए पहन लिया है मैंने टोपा। लो पकड़ो, फिर खोल लेती हूँ, बेइज्जती हो जाएगी। सो गाइस अभी हम आए हैं यहाँ पे मैगी पॉइंट में। ये लड़कों को देख रही तब से, क्यों देख रहे हो? मैं नहीं देख रही हूँ गाइस, मेरे को सब घूरते हैं। तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? मत देखो मेरे को समझ में, अगर यहाँ पर मस्त लड़कियाँ आती ना तब मैं बताता इसको। तुम तो रोज ही आते हो यहाँ पे, अब मैं आ गई मुझे कोई घूर रहा है तो मैं उसकी आंखों में क्या वो बनवा दूँ, पट्टी बनवा दूँ? तो तुम तो मत देखो कम से कम। मैं कहाँ देख रही हूँ, मेरी गलती से नजर चली गई, देख रही हूँ। अब तो वहाँ पे कोई है भी नहीं, पीछे मुड़ के देख लो। तब गलती से एक बार जाती, दो बार जाती, चार पाँच बार होना जाती है। अगर मुझे लड़की घूरने होते ना, स्कूटी है ही मेरे पास, रोज आ जाती है यहाँ पे। आइडिया सही दिया, मैं आऊँगा अभी यहाँ पे रोमियो को लेकर। रोमियो को नहीं लेकर आया क्योंकि मैं उसको सुबह इतना भगा दिया। आपको वैसे भी रोका किसने है? आओ आप, मेरा मोबाइल दे दो पहले। मेरा मोबाइल में पता नहीं क्या चेक कर रही है। मैं कुछ चेक नहीं कर रही हूँ, आप ही का इंस्टाग्राम लॉग इन करवा रही हूँ संदीप, आप ही का फायदा है इसमें। मेरा तो आ गया पराठा, देखो कितना टेस्टी लग रहा है ना। हमारे मोमो तो है ही नहीं वहाँ, इसने तो मान लिया मैगी ऑर्डर करवा दिया। ठीक है तो मैं फ्राइड मिल जाएगी तुम्हारी। ठीक है, नहीं प्लेन मैगी कभी नहीं खाई मैंने आज तक। ठीक है, मैंने वैसे भी कब से मैगी नहीं खा रखी है, और डाइटिंग में 3 किलो तो मैंने वेट कम कर ही दिया, तो एक दिन तो चीट कर ही सकता। कम हो गया तुम्हारा दुख में, तुम चले गए थे फालतू में ना, बातें मत किया करो फालतू में, लड़ा मत करो। एक बार भी फोन किया आपने वहाँ गई थी? मैंने कॉल किया था, तुमने कहा था मैं भी खुद बिजी हूँ, शादी में हूँ, तो कॉल भी मैं ही खुद करूँगी, तो मैं कहाँ से करूँगा बता। मुझे सब पता संदीप, रास्ते में जब ट्रेवल कर रही थी ना, मुझे एक कॉल नहीं आया, कहाँ हो क्या कर रही मैंने हो? तो मैं दो कॉल की थी और एक मैसेज भी आई आप मुझे आई लेने के लिए। मैं कैसे लेना आता, तुम मुझसे लड़ोगे? 8 बजे आई थी मैं वहाँ पे, और रात को इधर अलग अकेले भटक रही थी। एक बात बताओ, मैं तुम्हें कॉल करूँ तुम उठाओ ना? अकेले भटक रही थी आईस बीटी में। मैंने तुम्हें दो कॉल करी, मैसेज भेजा, तुमने रिप्लाई कर किया। छोड़ो अपने आप को, तो आप डिफेंड करोगे ही, मुझे पता है, और कोई मेरी सुनेगा भी नहीं। बट जितना मैं कह रही हूँ ना, सच ही कह रही हूँ, पूरे रास्ते कॉल नहीं आया, आईएस बीटी में पहुंची थी, ये तक नहीं किया। मेरी दोस्त है, मेरी रिस्पांसिबिलिटी बनती है इसको लेके आने की। तुम बताओ तुम सही हो इस मामले में? तो मैं को एक बात तुम ये बता दो, हाँ या ना सही हो? तो मैं को तुम सही हो या नहीं हो पहले मेरी बात मुझे बता दो, सही हो कि नहीं हो? मैं बोल रहा हूँ ना, फिर रिप्लाई तो दे दे। तुमने कहा कॉल नहीं आया, मैं चेक कर लो, हिस्ट्री चेक कर लो, दो कॉल होंगी, तुमने उठाई नहीं। वो सुबह थी ना, तो जब उठाओगे कॉल? मैं कॉल नहीं किया था पहले, तो आपने देख ले, चेक कर ले, अगर कॉल होंगी तो ठीक है। कॉल था शाम को जब मैं पहुंच गई थी, तब किस किस फर्स्ट बंदी थी? मेगा आ गई है, वाओ मेगा आ गई है शादी से, फाइनली आ गई है देहरादून, ये नहीं था ना हमारे अंदर। बंदा तब करेगा ना जब रिप्लाई आएगा सामने से, तुम गुस्से में रहोगे तो कैसे करेगा बता। हाँ तो गुस्से में रहोगे भी तो तुम मुझे ऐसे भूखे सड़ के तरह छोड़ दोगे? छोड़ूंगा नहीं, मैंने रोनी को भेजा था। मैं को ऑर्डर ऑटो नहीं मिलता तो मैंने भेजा था रोनी को, मैंने कॉल किया था उसको, रोनी को मैंने भेजा था, किया था उसको मैंने भेजा, छोड़ा था कॉल। हम खाना खाते हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, खा रहे हैं तुम ही सही, मैगी खा रहे हो नहीं खा रहे? तुम सही मैं गलत, लड़के से कौन जीत सकते हैं? तुम जीते हम हारे, तुम जीते तुम जीते तुम जीते तुम जीते। तमाम बहस और लड़ाई झगड़े के बाद ये है इनका ये रिएक्शन। मेरे को ठंडा लग रहा है, फिर ठंडा अपनी जगह है, लड़ाई अपनी जगह है, कहाँ पर मेरे हाथ हाथ नहीं निकालना तो नहीं। अरे हाथ मेरे सेट हो गए ना अभी, सुसाइड पॉइंट पे सुसाइड कर लेगा, मेरे हाथ सेट हो गए, अब ऐसे कौन निकालेगा मेरा हाथ? ठीक है फिर ऐसे रख दो, मैं जलेबी खा रही हूँ खाओगे? ये भी खोलने का मन नहीं कर रहा है, इतना ठंडा हो रहा है। फ्री के समझ रही है। और कुछ खाना है तो बता दो, इसके बाद मैं रुकूंगा नहीं, इतना ठंडा हो रहा है ना। चलें सामान ले लिया, चलते हैं। अभी तक ठंडा लग रहा था, जैसे जिम के कपड़े पहने तो थोड़ा बहुत एनर्जी आई, अब देखो फिर से
अभी इसमें बैठूंगा ना जैसे ही, वैसे ही फिर से हाल खराब होने वाला है। स्कूटी को ज्यादा ठंडी लग रही है मुझसे ज्यादा। सो गाइस फाइनली स्कूटी स्टार्ट हो चुकी है ये देखो। सो इस व्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ गाइस। आई होप आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया हो। एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर में मैं जब जिम जाऊंगा तो वहां तो मैं वीडियो बना पाऊंगा नहीं, और उसके बाद फिर अंधेरा ही हो जाता है। और कल के व्लॉग में आप देखेंगे ना गाइस, अभी क्या हुआ ना, रोमियो थोड़ी बहुत वोमिटिंग कर रहा था, तो थोड़ा सा उसको ठंडा लग रहा है, और मैं बेड में भी नहीं रख पा रहा हूँ उसको, क्योंकि फिर वो वोमिट बेड में कर देगा, और पहले कर चुका है वो एक बार। तो मैं क्या सोच रहा हूँ ना गाइस, उसके लिए कल मैं एक बेड बनाऊँगा, और मतलब एक प्रॉपर रोमियो के लिए हाउस बनाऊँगा। तो देखना कल का व्लॉग, उसमें आप देखोगे लकड़ी का बनाता हूँ या जो भी प्लान रहेगा, क्योंकि जो पहले वाला था ना जो मैंने बनाया था वो था बंद होगी फिर से। और रोमियो के लिए और कोई घर अगर आप सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या उसमें मॉडिफिकेशन करा सकते हैं तो कमेंट करके बताना। सो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल में नए तो सब्सक्राइब, और कमेंट जरूर कीजिएगा गाइज कि आपके साथ भी ऐसा ही होता है जैसे मेरे साथ हो रहा है। सुबह और शाम को थोड़ी देर स्कूटी को रखो ना तो ठंडी पड़ जाती है, सीट भी गीली हो जाती है ना। तो मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।